हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट थर्ड ऑफ बीएससी फोर्थ सेमेस्टर। इट्स नेम इज़ मैट्रिक्स मेथड इन पैरेक्सियल ऑप्टिक्स। सो इसमें हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच डील्स विद द ऑप्टिकल फिनोमिना विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट द नेचर ऑफ लाइट। ऐसे फिनोमिनास को हम स्टडी करते हैं जहाँ पर हम नेचर ऑफ लाइट को कंसिडर नहीं करते। लाइक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आर द मेन ऑप्टिकल फिनोमिना डील विथ इन दिस ब्रांच। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की, या ऑप्टिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऐसे ऑप्टिकल फिनोमिनास को स्टडी करते हैं जिसमें हम नेचर ऑफ लाइट को कंसिडर नहीं करते, लाइक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो मैट्रिक्स मेथड क्या है? मैट्रिक्स जो टर्म है वो आपने मैथ्स में सुनी हुई है। यहाँ क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? पोजीशन को, जो हमारे पास लास्ट पोजीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको फाइंड आउट करना होता है। सो अगर हमें पोजीशन को फाइंड आउट करना है किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम से बनी है, मिरर से, लेंस से, या उनके कॉम्बिनेशन से। सो जो फाइनल इमेज की पोजीशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट की एक अगर मान लो एक अगर इमेज आपके पास आ रही है तो वो नेक्स्ट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और उसकी जो इमेज बनेगी फिर वो नेक्स्ट के लिए क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट बनेगी। ऐसे वन बाय वन अगर हम चलेंगे तो हम क्या करेंगे, जब एंड तक पहुंचेंगे, पोजीशन को फाइंड आउट करना है हमें इमेज की, तो उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे, क्योंकि ये प्रोसीजर भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अगर हमने फाइनल पोजीशन को फाइनल इमेज की पोजीशन को फाइंड आउट करना है तो वन बाय वन अगर हम चलेंगे तो हमें फाइनल जो इमेज है वो बहुत डिफिकल्टी से मिलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ सरफेस इंक्रीज होते जाएंगे किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम में। तो हम क्या करेंगे, उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने मैट्रिक्स मेथड का यूज़ किया है, मैट्रिसेस का यूज़ किया है। इसमें हम पैरेक्सियल रेस का यूज़ करेंगे, उसकी हेल्प से लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे, लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स की हेल्प से इजीली सॉल्व करेंगे, और हमें इजीली जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं पोजीशन ऑफ इमेज वो इजीली मिल जाएगी। पैरेक्सियल रे टर्म हम यहाँ यूज़ करेंगे। पैरेक्सियल रे ऐसी रे होती है जो बहुत स्मॉल एंगल बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ या ऑप्टिकल एक्सिस के साथ। सो दैट रे विच मेक्स वेरी स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड पैरेक्सियल रे। सो हम मैट्रिक्स यूज़ किस लिए कर रहे हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अगर हमें इमेज फाइनल इमेज की पोजीशन को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलने की बजाय हम मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करेंगे, लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे। अगर हम इनका यूज़ नहीं करते मैट्रिक्स का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन स्टेप में चलना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, एक इमेज जो हमारे पास आएगी वो नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट सिस्टम के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ऐसे ही फिर अगर हम आगे चलेंगे तो उसकी जो इमेज आएगी वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। वन बाय वन चलने से ये प्रोसीजर काफ़ी लेंथी और काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो डिफ़िकल्टी को अवॉइड करने के लिए हम ये मेथड यहाँ यूज़ कर रहे हैं। बाकी आपको आपकी जो बुक्स हैं इनमें मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी हुई है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, बट हमने क्योंकि ट्वेल्थ में भी ये किया हुआ है और मैथ्स में आप पढ़ते आए हो मैट्रिसेस क्या होते हैं, तो मैं आपको वो रिवाइज नहीं करवाऊंगी। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स है जिसमें सिंगल रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वेयर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जो कि आप लोगों को पता है। सो जो मैट्रिक्स मेथड हमने यहाँ यूज़ करने हैं उसके लिए हमें कुछ ना कुछ साइन कन्वेंशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम उन साइन कन्वेंशंस को कैसे लेंगे, कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट इज
ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम अ पॉइंट इन द ऑप्टिकल सिस्टम विच इज टेकन एज द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो एक पॉइंट से मेजर करेंगे और उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। सेकेंड इज द रेज आर ऑलवेज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट ऑन द रिफ्रेक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रेज हम ऑलवेज यहाँ से लेफ्ट से इंसिडेंट करवाएंगे, कभी इस साइड से इंसिडेंट नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट इज ऑल डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव। यहाँ लेट दिस बी ओरिजिन, अगर हमने इधर डिस्टेंस मेजर करना है तो इसको हम पॉजिटिव एक्स लेंगे या पॉजिटिव वाई लेंगे, और अगर हमने इस साइड मेजर करना है तो नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई लेंगे। नेक्स्ट इज ऑल डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड फ्रॉम द एक्सिस आर पॉजिटिव एंड ऑल डिस्टेंस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन आर, अगर हम अपवर्ड ले रहे हैं तो वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और नेगेटिव कब लेंगे, जब हम डाउनवर्ड ले रहे हैं। सो दीज आर द साइन कन्वेंशंस। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पैरेक्सियल रे, पैरेक्सियल रे मैं आपको बता चुकी हूँ वो रे जो ऑप्टिक एक्सिस के साथ या प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बहुत ज़्यादा स्मॉल एंगल बनाए, उसको हम क्या कहते हैं, पैरेक्सियल रे। इसके कोऑर्डिनेट हम क्या क्या लेते हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। वी शैल नाउ कंसिडर ए सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक ऑप्टिकल सिस्टम। यहाँ हमने एक सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल सिस्टम डिस्क्राइब किया है। इसमें हम थिकनेस ले रहे हैं, ये दो हमारे पास सरफेस हैं वन एंड टू। एक सरफेस का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू वन है, और एक सरफेस का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो क्या लिया है हमने, म्यू टू लिया है। एक रे यहाँ पे हमने कंसिडर की है, इस रे को लेट पी एंड क्यू लेट कर रहे हैं हम। पी क्यू रे यहाँ से जा रही है और एक सरफेस पे क्या करेगी, ये इंसिडेंट करेगी। पी क्यू रे इंसिडेंट होने के बाद फर्स्ट सरफेस से हमें कौन सी रे मिलेगी, क्यू आर रे मिलेगी, और यहाँ लेट दिस बी आर एस रे, एक क्यू आर रे मिलेगी और एक कौन सी रे मिलेगी हमें, आर एस रे। जो क्यू आर रे है वो क्या है, रिफ्रेक्टेड है, और जो लास्ट है ये आर एस रे है, ये क्या है, इमर्जेंट रे है। अ रे पासिंग थ्रू अ पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई इट्स डिस्टेंस वाई फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिस्टम एंड एंगल अल्फा मेड विद द एक्सिस। ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से ये रे जा रही है और ये एक्स एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल में, ये वाई ले रहे हैं। यहाँ पे जैसे अलग अलग लिया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए, एक ये डिस्टेंस है, एक ये डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस। एक डिस्टेंस वाई वन, एक वाई टू, एक वाई थ्री और एक ये वाई फोर लिया हुआ है, क्लियर। और जो एंगल यहाँ पे बना रहे हैं ये अल्फा एंगल है, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री एंड दिस भी अल्फा फोर, यहाँ अल्फा फोर आएगा। सो देयर फोर अ पॉइंट ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय क्वांटिटी वाई वन अल्फा वन। तो अगर मैंने इस पॉइंट को डिफाइन करना है तो क्या आ जाएगा, वाई वन, ये डिस्टेंस वाई वन है और जो एंगल बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, अल्फा वन। तो ये दो कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दिए हमने, वाई वन एंड अल्फा वन। अब ये कह रहे हैं कि अगर हमने इन प्लेस ऑफ एंगल अल्फा मेड बाय द रे विद एक्सिस एक्स एक्सिस, अगर हमने अल्फा की जगह पे किसी और क्वांटिटी लैम्डा को डिफाइन करना है तो लैम्डा को हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए लैम्डा को इन्होंने यहाँ पर, ये जो एंगल है, ये जो ये नॉर्मल है, अगर ये वाला एंगल अल्फा वन है ये यहाँ पर, तो ये जो एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा वन, क्लियर है। ये टोटल एंगल कितना है हमारे पास, 90 है, और इसमें से अगर ये एंगल अल्फा वन है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा वन, और एक क्वांटिटी जो हम लैम्डा डिफाइन कर रहे हैं वो हो जाएगी म्यू कोस थीटा होती है, तो थीटा हम यहाँ क्या लेंगे, 90 माइनस अल्फा लेंगे, क्लियर। अगर 90 माइनस अल्फा हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो कोस 90 माइनस अल्फा हमें पता है साइन अल्फा हो जाएगा। और पैरेक्सियल रेस के लिए एंगल मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, सो स्मॉल एंगल्स के लिए साइन अल्फा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू अल्फा, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू म्यू अल्फा।
तो हम लैम्डा की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, म्यू अल्फा पुट कर सकते हैं। यहाँ पर म्यू है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम का एंड द क्वांटिटी लैम्डा इज कॉल्ड ऑप्टिकल डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ रे। तो यहाँ पर इस टॉपिक को करने का हमारा पर्पस यही था, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे। और यहाँ ये जो हमें लैम्डा की वैल्यू मिली है, लैम्डा इज इक्वल टू म्यू अल्फा, इसको आप याद रखोगे क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक में हम लैम्डा को म्यू अल्फा बहुत बार पुट करेंगे। सो लैम्डा की वैल्यू आपको म्यू अल्फा लर्न होनी चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे ट्रांसलेशन जब होता है रे का तो जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स बनती है वो क्या बनेगी, और ऐसे ही ट्रांसलेशन के बाद हम देखेंगे जो रिफ्रेक्शन होता है, रिफ्रेक्शन की जो मैट्रिक्स बनती है वो क्या बनती है। क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑप्टिक्स को तो स्टडी कर रहे हैं बट हमें यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड यूज करना है। तो हम पहले जो हमने सिंपल रिफ्रेक्शन और ट्रांसलेशन पढ़ा हुआ है, अब हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स और रिफ्रेक्शन मैट्रिक्स को यहाँ स्टडी करेंगे। सो कंसीडर ए सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल ऑप्टिक सिस्टम शोन इन फिगर। यहाँ देखिए, कंसीडर ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम पी, ये रे है पी से चली टू क्यू तक, यहाँ से पी से क्यू तक गई है ये रे हमारे पास इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू। लेट अल्फा वन एंड अल्फा टू बी द एंगल्स ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द रे एट पी एंड क्यू। अल्फा वन और अल्फा टू यहाँ क्या ले लिए, इंक्लाइनेशन एंगल ले लिए। इन केस ऑफ ट्रांसलेशन ऑपरेशन द रे ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन होमोजेनियस मीडियम। ट्रांसलेशन हमें पता है रिफ्रेक्शन में तो मीडियम चेंज होता है बट ट्रांसलेशन में मीडियम सेम रहता है, तो हम क्या ले सकते हैं, अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा टू इज इक्वल टू अल्फा हम कह सकते हैं। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द रे एट पी एंड क्यू क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू पे वैसे होता है म्यू वन लैम्डा वन एंड म्यू टू लैम्डा टू, बट लैम्डा की जगह पे हमें पता है हम क्या पुट कर सकते हैं, म्यू अल्फा पुट कर सकते हैं। लैम्डा की जो वैल्यू है हमारे पास वो आई थी म्यू अल्फा, सो हम यहाँ क्या पुट कर देंगे, यहाँ हम पुट करेंगे वाई वन म्यू वन अल्फा वन एंड वाई टू म्यू अल्फा टू। फिगर से देखिए वाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, वाई वन प्लस क्यू वन लिख सकते हैं, ये है हमारे पास वाई वन और ये है हमारे पास क्यू एन। सो इस पूरे वाई टू को हमने लिखना है, उसको हम लिखेंगे वाई वन प्लस क्यू एन, ये हमारी होगी इक्वेशन सेकंड। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल पी एन क्यू, पी एन क्यू ट्रायंगल में देखिए क्यू एन बाय पी एन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन हो जाएगा टेन अल्फा। सो क्यू एन इज इक्वल टू पी एन टेन अल्फा। सिंस द रे कंसिडर इज अ पैरेक्सियल रे, तो एंगल अल्फा क्या है, स्मॉल है, क्योंकि हम यहाँ बात ही पेरेक्सियल रेस की करेंगे तो जो एंगल्स होंगे वो स्मॉल एंगल्स होंगे। सो टेन अल्फा अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, अल्फा क्यू एन इज इक्वल टू पी एन अल्फा वन, एंड जो हमने पी एन को डिफाइन किया है यहाँ पर वो डी डिफाइन किया है, तो क्या हो जाएगा डी अल्फा वन। डी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रे पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस फ्रॉम पी टू क्यू। इक्वेशन सेकेंड कैन बी रिटन एज, अब देखिए क्यू एन की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, सो क्यू एन की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, डी अल्फा वन पुट कर सकते हैं, तो वाई टू की वैल्यू आ जाएगी वाई वन प्लस डी अल्फा वन, दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। द सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ द रे एट पॉइंट पी एंड क्यू कैन बी रिटन एज। अब सेकेंड कोऑर्डिनेट हमने क्या लैम्डा के टर्म में डिफाइन करना है, पीछे भी मैंने आपको बताया था सेकेंड कोऑर्डिनेट को लैम्डा के टर्म में डिफाइन करना है, तो लैम्डा की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, लैम्डा की वैल्यू होती है म्यू अल्फा। सो अगर हम सिस्टम वन एंड टू की टर्म में लें तो लैम्डा वन इज इक्वल टू म्यू अल्फा वन एंड लैम्डा टू इज इक्वल टू म्यू अल्फा टू, क्लियर। बट हमें पता है जो हमारे पास अल्फा वन क्या है, अल्फा टू के इक्वल है, सो म्यू अल्फा वन इज इक्वल टू म्यू अल्फा टू, हेंस लैम्डा वन किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा टू के इक्वल, दिस इज अवर फोर्थ इक्वेशन। इक्वेशन थर्ड कैन बी रिटन एज, दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। सो वाई टू इज इक्वल टू वाई वन प्लस
डी, यहाँ क्या किया हमने, म्यू से मल्टीप्लाई और म्यू से ही डिवाइड कर दिया। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, वाई टू इज इक्वल टू वाई वन डी बाई म्यू इंटू म्यू अल्फा वन। ये हमने किस लिए किया, क्योंकि म्यू अल्फा वन की हमें डायरेक्ट वैल्यू पता है लैम्डा वन, वो हमने यहाँ पुट कर दी। दिस इज अवर फिफ्थ इक्वेशन। इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इक्वेशन फोर देखिए और फिफ्थ देखिए, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा टू इज इक्वल टू लैम्डा वन के इक्वल है, सो वन इंटू लैम्डा वन कर दिया, एंड वाई वन का यहाँ कोई कोऑर्डिनेट नहीं है तो जीरो इंटू वाई वन, क्योंकि यहाँ हम मैट्रिक्स बना रहे हैं तो मैट्रिक्स के लिए हमें लैम्डा वन और वाई वन दो टर्म चाहिए। अब वाई टू यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा वन वाली पहले टर्म लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लैम्डा वन है, तो लैम्डा वन के साथ यहाँ डी बाई म्यू है और वाई वन के साथ यहाँ वन है। क्लियर है, जो यहाँ ये इक्वेशन थी इसमें वाई वाई वाला कोई कोऑर्डिनेट नहीं था तो हमने यहाँ जीरो कर दिया। सो दीज इक्वेशन कैन बी रिटन एज मैट्रिक्स इक्वेशन, इनको हम मैट्रिक्स इक्वेशन लिख सकते हैं कैसे, जैसे लैम्डा टू वाई टू किसके इक्वल हो जाएगा, वन जीरो डी बाई म्यू, एंड वन अलग कर लिया और लैम्डा वन वाई वन अलग कर लिया। दिस इज अवर एट्थ इक्वेशन। दिस इक्वेशन शोज दैट इफ अ रे ऑफ लाइट इनिशियली गिवन बाई टू क्रॉस वन मैट्रिक्स विद कोऑर्डिनेट लैम्डा वन वाई वन, देन द इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन ऑन इट इन अ होमोजेनियस मीडियम ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू इज गिवन बाई टू क्रॉस टू मैट्रिक्स। यहाँ पर हमें क्या मिली, ट्रांसलेशन के बाद जो मैट्रिक्स मिली वो टू क्रॉस टू मिली, और जो पहले इनिशियली हमारे पास जो लाइट थी उस वो जो मैट्रिक्स अगर हम उसका देखें तो वो टू क्रॉस वन का मैट्रिक्स थी, कोऑर्डिनेट लैम्डा वन वाई वन थे। सो हमारे पास यहाँ जो मैट्रिक्स आई उसको हम अलग कर लेंगे, वन जीरो डी बाई म्यू वन, द मैट्रिक्स टी इज कॉल्ड, क्योंकि ये हमें ट्रांसलेशन के बाद मिली है दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, एंड इसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इज इक्वल टू वन। ये स्टूडेंट्स आपके लेंथी क्वेश्चन में भी आ सकता है, और अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो आपको ओनली ट्रांसलेशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन बतानी होगी और उसका डिटर्मिनेंट बताना होगा। बहुत ज़्यादा इजी यूनिट है ये, आप ध्यान से करोगे तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा ये। सो हमने ट्रांसलेशन मैट्रिक्स देख ली, ऐसे ही हम क्या देखेंगे, रिफ्रेक्शन मैट्रिक्स देखेंगे कि रिफ्रेक्शन के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलती है वो क्या है और उसका डिटर्मिनेंट क्या है। सो इफेक्ट ऑफ रिफ्रेक्शन एंड रिफ्रेक्शन मैट्रिक्स, कंसिडर स्फेरिकल रिफ्रेक्टिंग सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने क्या लिया है, आर लिया है, म्यू वन म्यू टू क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, जो दो सेपरेटिंग मीडिया है म्यू वन एंड म्यू टू। द इंसिडेंट रे पी क्यू इज रिफ्रेक्टिंग अलोंग क्यू एस, अब देखिए मीडियम चेंज हो रहा है तो यहाँ हम रिफ्रेक्शन टर्म की बात करेंगे, पी क्यू से क्यू एस में जो रे जा रही है वो रिफ्रेक्टेड रे है। लेट आई एंड आर, यहाँ आई और आर क्या है, एंगल्स हैं, इंसिडेंस एंड एंगल हैं रिफ्रेक्शन। यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ हमें पता है क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। पैरेक्सियल रेस के लिए हमें पता है एंगल स्मॉल होते हैं, साइन आई अप्रोक्सीमेट आई, साइन आर अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू आई एंड साइन आर इज इक्वल टू आर। इक्वेशन वन बिकम्स, ये इक्वेशन वन है, तो हमारे पास जब हम साइन आई को आई पुट करेंगे और साइन आर को आर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन, आई म्यू वन इज इक्वल टू आर म्यू टू। फिगर में देखिए क्लियर हो रहा है हमें कि जो एंगल आई है वो किसके इक्वल है, अल्फा वन प्लस थीटा के इक्वल। देखिए ये जो टोटल एंगल है ये टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, और ये जो स्मॉल एंगल है ये थीटा है, और ये जो एंगल है ये अल्फा वन है। तो अगर हमने ये टोटल एंगल देखना है तो वो किसका सम हो जाएगा, अल्फा वन प्लस थीटा का सम हो जाएगा। ऐसे ही देखिए इस साइड ये हमने आर एंगल है, आर एंगल किसका सम हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा टू का सम हो जाएगा। यही लिखा है हमने यहाँ पर, आई इज इक्वल टू अल्फा वन प्लस थीटा, आर इज इक्वल टू अल्फा टू प्लस थीटा, वेयर अल्फा वन अल्फा टू एंड थीटा आर एंगल्स मेड बाय इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द सर्फेस विद द एक्स एक्सिस। नाउ अगर हम क्यू एम सी ट्रायंगल की बात करें, क्यू दिस इज क्यू,
दिस इज एम एंड दिस इज सी। क्यू एम सी ट्रायंगल में अगर मैं टेन थीटा कहूँ आपको, टेन थीटा हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास वाई वन है और बेस, बेस हमारे पास आर है। सो टेन टेन थीटा इज इक्वल टू वाई वन बाई आर, बट टेन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू वाई वन बाई आर। दिस इज अवर फिफ्थ इक्वेशन। सो हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन थर्ड फोर्थ एंड इक्वेशन सेकेंड वी हैव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू वन। हमारे पास जो इक्वेशन सेकंड थी वो कौन सी थी, ये थी हमारे पास इक्वेशन सेकंड। इस इक्वेशन में हमने किसकी वैल्यू पुट करनी है, जो हमारे पास आई की वैल्यू है और आर की वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, म्यू वन अल्फा वन प्लस थीटा इज इक्वल टू म्यू टू अल्फा टू प्लस थीटा। सो म्यू टू अल्फा टू इज इक्वल टू, अगर हम इसको इस साइड ले आएंगे तो म्यू वन अल्फा वन माइनस म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास। म्यू टू अल्फा टू को अलग कर लो, बाकी सारे टर्म्स को एक साइड पे ले आओ। यूजिंग इक्वेशन फिफ्थ, थीटा की वैल्यू हमें पता है वाई वन बाई आर होती है, सो इस थीटा की जगह पे हम वाई वन बाई आर पुट कर देंगे। दिस इज अवर सिक्स्थ इक्वेशन। बट नाउ वी नो दैट म्यू वन अल्फा वन इज इक्वल टू लैमडा वन, म्यू टू अल्फा टू इज इक्वल टू लैमडा टू। इस इन जो ये जो हमारी वैल्यूज हैं इस इक्वेशन में पुट करेंगे, लैमडा वन एंड लैमडा टू की वैल्यूज, तो हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन, लैमडा टू ये हो जाएगा, लैमडा टू इज इक्वल टू लैमडा वन माइनस पी वाई वन। ये जो पूरी टर्म है ना म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, इसको हमने पी पुट कर दिया। क्वांटिटी पी इज कॉल्ड एज पावर ऑफ रिफ्रेक्टिंग सरफेस, ये हमने एक क्वांटिटी डिफाइन कर दी, पावर ऑफ रिफ्रेक्टिंग सरफेस, दैट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। सो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, लैमडा टू इज इक्वल टू लैमडा वन माइनस पी वाई वन। जो हाइट है रे की बिफोर एंड आफ्टर रिफ्रेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, सो वाई टू इज इक्वल टू वाई वन। अब इन दोनों से अगर हमने एक इक्वेशन लिखनी हो तो हम ये लिखेंगे, यहाँ से देखिए लैम्डा टू किसके इक्वल आ जाएगा, वन इंटू लैम्डा वन, और वाई वन के साथ कौन सा कोऑर्डिनेट है, माइनस पी है। वाई टू के साथ सिर्फ वाई वन है, लैम्डा वाला कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, सो यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो इन प्लस वन इंटू वाई वन। यहाँ से हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे ऐसे ही जैसे पीछे बनाया है हमने लास्ट टॉपिक में। सो हमारे पास दस द इफेक्ट ऑफ रिफ्रेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस गिवन टू बाय टू मैट्रिक्स, टू क्रॉस टू मैट्रिक्स मिल रही है हमें, जैसे हमें ट्रांसलेशन में मिली थी सेम। यहाँ जो मैट्रिक्स है वो ये मिल रही है, वन माइनस पी जीरो एंड वन। इसका भी अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो वो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आर इज इक्वल टू वन आ जाएगा। सो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट वन है, रिफ्रेक्शन मैट्रिक्स का भी जो डिटर्मिनेंट है वो वन है। नेक्स्ट इज सिस्टम मैट्रिक्स। इन जनरल एन ऑप्टिकल सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ लेंसेज, एक ऑप्टिकल सिस्टम है उसमें सीरीज ऑफ लेंसेज होते हैं, मींस काफ़ी सारे लेंस होते हैं, एंड इट कैन बी करेक्टराइज्ड बाय द रिफ्रेक्शन एंड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। और उसको हम क्या करेंगे, जहाँ पर रिफ्रेक्शन हो रहा होगा रिफ्रेक्शन मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रांसलेशन हो रहा होगा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ अ रे इज स्पेसिफाइड बाई कोऑर्डिनेट लैमडा वन वाई वन, वेन इट एंटर्स एन ऑप्टिकल सिस्टम इट इज स्पेसिफाइड बाई द कोऑर्डिनेट लैमडा टू वाई टू वेन इट लीव्स द सिस्टम। जब एक रे एंटर करेगी सिस्टम के अंदर तो हम उसको लैमडा वन वाई वन से डिनोट करेंगे, और जब लीव करेगी लैमडा टू वाई टू से रिप्रेजेंट करेंगे। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टू वाई टू इज इक्वल टू बी माइनस ए माइनस डी सी लैम्डा वन वाई वन। ये हमने अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स को डिफाइन किया है, जब भी हमारे पास नंबर ऑफ लेंसेज होंगे, सीरीज ऑफ लेंसेज होंगे, जिनको हमने रिफ्रेक्शन और ट्रांसलेशन से मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करना है। सो ये जो एस हमने डिफाइन किया है बी माइनस ए माइनस डी सी इज कॉल्ड सिस्टम मैट्रिक्स इन विच सम एलिमेंट्स हैविंग आर्बिट्रेरी बिन टेकन नेगेटिव फॉर कन्वीनियंस। ये हमने अपनी तरफ से डिफाइन किया है, और ये जो नेगेटिव साइन लिए हैं ये भी हमने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लिए हैं। सिंस ए रे ट्रेवलिंग इन एन ऑप्टिकल सिस्टम अंडरगो टू ऑपरेशन, एक रे के अंदर अगर वो ट्रेवल कर रही है तो दो ऑपरेशन होंगे, या तो ट्रांसलेशन होगा या रिफ्रेक्शन होगा। तो जो सिस्टम मैट्रिक्स है इन जनरल इज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशन एंड रिफ्रेक्शन,
मैट्रिक्स, अगर अगर हम प्रॉपर्टी यूज़ करें डिटर्मिनेंट्स की, तो सिस्टम मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसलेशन और रिफ्रेक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो भी क्या आएगा? वन आएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन का भी डिटर्मिनेंट वन है और रिफ्रेक्शन का भी जो डिटर्मिनेंट है वन है, सो इसका डिटर्मिनेंट भी वन आएगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? बी सी माइनस ए डी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वन। ये जो सिस्टम मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ये आपके सिलेबस में 2 मार्क्स में है, सो 2 मार्क्स में आप यही सब कुछ लिख के आओगे कि सिस्टम मैट्रिक्स होता क्या है। ये हमने अपनी तरफ से डिफाइन किया है किसी भी सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स एंड सिस्टम मैट्रिक्स। थैंक यू।